बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद वालैहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे। एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें आज मैं आपके साथ जो है पंजाब पुलिस के एक इदारा एक्साइज एंड टैक्सेशन के अंदर जो जॉब्स आई हैं उनके मुतालिक बात करूँगा। बेसिकली जो जॉब्स हैं वो कॉन्स्टेबल्स की जॉब हैं, इसके लिए सिर्फ पंजाब के अफराद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 124 वैकेंसी हैं जो इसके मुख्तलिफ शहरों के अंदर और मुख्तलिफ अजला के अंदर इसकी जॉब्स मौजूद हैं। अब इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से अफराद इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने की जो उम्र कितनी होनी चाहिए, तालीम कितनी होनी चाहिए, कौन कौन सा टेस्ट होगा, तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुँची रहे। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो ऑफिशियल एड मैंने ओपन कर लिया है, जो कि दफ्तर डायरेक्टरेट जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब की तरफ से दिया गया है, ठीक है। और इसमें ये जो कांस्टेबल की भर्ती है वो BS 5 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और ये मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो भर्तियां की जा रही हैं, जिसमें मुतल्लिका ज़िला से रखने वाले अफराद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑफिस है, कौन कौन से अजला की कौन कौन सी असामियाँ हैं, जिसमें ओपन मेरिट खरवातीन का कोटा और अकलीकित कोटा कितना है। बेसिकली देखें, सबसे पहले जो आपको ऑफिस बताया गया है वो लाहौर का रीजन ए है, जिसमें 36 वैकेंसी है और 24 जो है इसमें ओपन मेरिट के ऊपर होंगी, 10 वुमेन कोटा और 1 अकलीती कोटा के ऊपर मौजूद है। दूसरी भी जो है लाहौर के रीजन बी के लिए है, इसमें टोटल 15 असामियां हैं, जिसमें 9 ओपन मेरिट जो है, 5 जो है वो वुमेन कोटा और 1 अकलीती कोटा शामिल है। उसके बाद शेखुपुरा के इस ऑफिस के अंदर 5 वैकेंसीज हैं, कसूर के अंदर 7, गुजरावाला 9। तो आप ये देख सकते हैं, आप अपने तमाम जो शहर हैं यहाँ से देख सकते हैं कि आपके मुतल्लिका शहर के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है और कितनी कितनी वैकेंसी है, आप उसके लिए यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मेरे शहर फैसलाबाद है, तो आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद के अंदर टोटल 16 वैकेंसी हैं, जिसमें 12 ओपन मेरिट पर हैं, 3 जो है वो वुमेन कोटा और 1 अकलीत के लिए शामिल है। इस तरह जो है वो टोटल जो है 124 वैकेंसीज यहाँ पर मौजूद हैं, 91 ओपन मेरिट के ऊपर हैं, 29 वुमेन कोटा और 4 जो है वो अकलीतों के लिए मुख्तस की गई हैं। अब आपने अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने के लिए क्या क्या खसूसियात आपके पास होनी चाहिए, तो नंबर 1 पे आप देख सकते हैं जी कि आपकी जो उम्र है वो जो है किस लिहाज से होनी चाहिए और आपकी अहलियत किस लिहाज से होनी चाहिए, तमाम चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जी आपकी तालीम कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए, कम से कम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए पंजाब के किसी भी जो मंजूर शुदा बोर्ड से जो है वो होनी चाहिए। उम्र जो है आपकी 18 से 25 साल और सुकूनत जो है आपकी, यानी आपकी रिहाइश और जो है आपका डोमिसाइल आपके उसी ज़िले के होने चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हैं, और आपका शनाख्ती कार्ड भी होना ज़रूरी है। कद जो है वो कम से कम 5 फीट 7 इंच मर्द हजरात का और कम से कम 5 फीट 2 इंच ख्वातीन के लिए होना चाहिए। छाती का जो टेस्ट है वो सिर्फ मर्दों के लिए होगा, जिसमें उनकी जो छाती का जो साइज़ है वो 33 इंच से 34 इंच तक, यानी 34.5 इंच तक होना चाहिए। दौड़ का सिर्फ इसमें इम्तिहान होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि मर्द अफराद जो हैं वो 1.6 यानी 1 मील दौड़ 7 मिनट के अंदर मुकम्मल करने के लिए जो है इसको मुकम्मल करेंगे, और ख्वातीन जो हैं 1 मील दौड़ 10 मिनट के अंदर ही तय करेंगी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने अप्लाई इसको कैसे करना है, आपने www.excise.punjab.gov.pk के वेबसाइट के ऊपर आपने चले जाना है, वहाँ पे जाकर आपने इसका दरख्वास्त जो है उसका फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद वहाँ से आपको एक चालान भी मिलेगा, और उस चालान को डाउनलोड करने के बाद वो 200 रुपये का चालान आपने बैंक के अंदर जमा करवाना है। इन तमाम चीज़ों को आपने मौका 2 नवंबर 2024 तक अब बाय हैंड चले जाएं, यानी खुद आप इदारे के अंदर चले जाएं, या बजरिया डाक जो है आपने जो आपके इलाके का एक्साइज एंड टैक्सेशन जो ऑफिस है वहां पे आपने इसको जमा करवा देना है, ठीक है। और बाकी आप कुछ तनबीह की गई है कि नामुकम्मल और शरायत पे पूरी ना उतरने वाली दरखास्तों को जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताया गया है कि ये जो तमाम
वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद है और मुतलका पुलिस लाइंस के अंदर भी उन्होंने ये तमाम इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। उम्मीदवार को कद और छाती वगैरह में कोई रायत नहीं मिलेगी। उम्मीदवार का दौड़ कद छाती की पैमाइश तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक हलफनामा जमा करवाना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो है आप देख सकते हैं कि आपने वहाँ पे बताना है कि अब किसी तरह की गलत किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे और ना ही आप किसी गैर कानूनी सरगर्मी के अंदर शामिल हैं। ये तमाम चीज़ें आप जमा करवाएंगे और उसके बाद जो 11 पॉइंट पे आपको बताया गया है कि अगर जो उम्मीदवार जो है अहल करार दिए जाएंगे उनको कॉल लेटर जो है वो अलहदा अलहदा किया जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू के वक्त आपने अपनी असल असनाद कागजात और चालान फार्म की जो असल कॉपी है वो आपने साथ लेके जानी है। तो किसी भी मरहले के ऊपर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो गलत साबित हुई तो वह किसी भी वक्त वहां पे आपको भर्ती को मंसूख किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है डायरेक्टोरल जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब 847 ए शादमान लाहौर की जानिब से। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो या तो आप वेबसाइट नहीं सर्च कर सकते तो इजीली सिंपली आप क्या करें, आप अपने जो नज़दीक पुलिस लाइन है वहाँ पर चल जाएँ, वहाँ पर आपको मुकम्मल इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। और मेन चीज़ जो आपको है, आपने इस www.excise.punjab.gov.pk वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। इस वेबसाइट के ऊपर से जाके आपने अपनी दरख्वास्त फॉर्म भी जमा कर जो वहाँ पे मौजूद है वो भी आपने डाउनलोड करके इसको प्रिंट निकलवाना है और चालान फॉर्म का प्रिंट भी आपने निकलवा लेना है। अब इसी को मैं यहाँ से सर्च करता हूँ अपने गूगल सर्च बार में और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी वेबसाइट होगी। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कॉन्स्टेबल जॉब जो है वो आपके सामने, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म और आपका जो है चलान फॉर्म वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आ जाएगा, यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। सिंपली आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। आपने इसको ब्राउजर को ओपन कर लेना है और इसको आपने डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवाना है। दूसरी बात देखी जाए कि आपने यहाँ पे एफिडेविट यानी जो आपने हलफनामा जमा करवाना है ये भी उसी कॉपी है, इसको भी आपने जो है इसका प्रिंट निकलवाना है और इस प्रिंट को आपने साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स का के साथ लगा के एप्लीकेशन के साथ भेजना है। तीसरे नंबर पर यहाँ से आपने चलान फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। चलान फॉर्म की कॉपी जो है कुछ इस तरह से मौजूद है, जो कि 200 रुपये का चलान फॉर्म है। आपने जो मुतलका आपको डिपार्टमेंट बताया गया है कि आपने किस जगह पर इसको जमा करवाना है, सिंपली आप जो है उस बैंक के अंदर जाके इसको जमा करवाएंगे। तो जो एक कॉपी जो है बैंक की होगी, एक कॉपी आपके पास होगी और एक कॉपी जो है वो आपने, ये देखिए जैसे आपको पता है एक जो है वो कैंडिडेट की कॉपी है यानी आपने इसको खुद अपने पास रखना है, ये भी बैंक की कॉपी है और ये वाली डिपार्टमेंट की कॉपी है जो आपने डिपार्टमेंट के अंदर एप्लीकेशन के साथ भेज देनी है। अगर आपको इन डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या आप इसको डाउनलोड करने में आपको मुश्किलात पेश आए तो आप बजरिए व्हाट्सएप मुझसे राबता कर सकते हैं। तो मुकर्रा सी छोटी सी फीस के जरिए से आप मुझसे ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो हासिल करके इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, आपके दोस्त अजीज अहबाब के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती होगी। तो आपने इसको अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करना है। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।